आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज बात करेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर। आप सभी का जो कोर्स है ना एनटीपीसी का, वो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 के ऊपर लॉन्च हो गया है। आप जाकर वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात पूरे डिटेल के साथ में बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे खरीदना है, क्या करना है, लेकिन पहले मैं बोल दूं ना, सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप सभी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, जो एग्जाम को लेकर सीरियस है और जो पढ़ना चाहता है, सही में मेहनत करने के लिए तैयार है ना, वही लीजिएगा। क्योंकि देखो अगर ये बस मैं क्लास नहीं करवा रहा हूं, एक्चुअल में होता क्या है, मैंने बहुत अक्सर देखा है, आप जाकर वहां पर बाई कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, स्टूडेंट कोर्स ले लेता है, उसके बाद टीचर वहां पर क्लास करवाकर चल जाता है। लेकिन यहां पर मैं क्लियर बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करना है, कम ही स्टूडेंट रहेंगे जिसको मैं प्रॉपर वे में गाइड कर पाऊं। आपको करना क्या है, छोटे भाई बहन समझकर मैं पढ़ा पाऊं, ठीक है। बहुत सारे चैनल है, आप वहां पर भी कोर्स बाय कर सकते हैं, मुझसे काफी अच्छे टीचर हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको थोड़ा अलग पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम निकल पाए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना पाए। ये स्ट्रैटेजी के बिना एग्जाम निकलना बहुत क्रैक है। और मैं ये भी बहुत हार्ड जोड़कर रिक्वेस्ट से बोल रहा हूं कि सभी एडमिशन ले लिए भैया का कोर्स ले लिए एग्जाम निकल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूं, दिन भर आपके साथ में आपसे बात कर सकता हूं, प्रॉपर कोर्स दे सकता हूं। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो क्या होगा, आप बताओ। अगर मैं आपको कोर्स में बोलता हूं, अगर मान लो यहां पर तो ओपन नहीं बोल सकते ना, अब आप बोलेंगे भैया यूट्यूब के ऊपर क्लास नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जैसे क्लास चल रहा है वैसे आपका क्लास यहां पर भी चलेगा और वहां पर भी चलेगा। अब मान लो किसी को एप्लीकेशन में कोर्स लिया और किसी को मैं बोल रहा हूं, देखो आज आप सभी को ना मैंने 50 जीके क्वेश्चन दिए और मैथ रीजनिंग आपका क्लास चल रहा है एक एक घंटे का, ये आप कंप्लीट करना, प्रॉपर नोट्स बनाना और ये 50 क्वेश्चन ना आप रात को सोने से पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक टारगेट लेकर चल रहे हैं और आप ही के ऊपर मेरा उम्मीद है। क्योंकि मैं ये कोर्स नहीं चला रहा हूं कि मतलब आपको कोर्स देना है, आपको एग्जाम निकालना है। अगर इस मनसा से अगर आप बोलेंगे अरे भैया डेली आप 50-50 क्वेश्चन याद करवाते हो, ऊपर से बोलते हो स्टैटिक जीके का नोट्स पढ़ लो एक, तो भैया इतना नहीं कर सकते। अगर इतना नहीं कर सकते तो आप कहीं बहुत सारे कोर्स है वहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं बस कोर्स बेचकर निकल नहीं चाहता हूं कि साइट से वीडियो अपलोड कर दूं, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, और आप पढ़ो तो पढ़ो, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं आप सभी को मैं प्रॉपर वे में गाइड करूं, क्योंकि एक तरीका यह भी है ना कि अगर इस एग्जाम के बलबूते बहुत सारे एग्जाम हम लोग दे सकते हैं। ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको कोर्स लेना ही है, आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं, मैं यहां पर भी क्लास दे रहा हूं, ठीक है, जैसे क्लास चलता है हमारा। अब देखो एक सभी आप सभी बात समझिएगा, वहां पर आपको मिलेगा क्या क्या ये भी बताना बहुत जरूरी है। पहले आपको रीजनिंग जो है ना उसका पूरा कोर्स, एनटीपीसी और आप सभी का ग्रुप डी का सिलेबस सेम है, आप सभी को पता है। किसी भी एग्जाम का पूरा सिलेबस पढ़े, अगर हम एनटीपीसी का सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारा अगर रीजनिंग का एनटीपीसी का सिलेबस पूरा पढ़ लिया जाए ना भैया प्रॉपर वे में, और एक गाइडेंस करने वाला बंदा अच्छा हो और वो समझा सके सही से कि अगर एनटीपीसी का सिलेबस पूरा रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया जाए ना पूरे प्रॉपर पीडीएफ के साथ, तो भैया आप समझते हैं जितना भी आरआरबी का एग्जाम होता है प्लस जितना भी एसएससी का एग्जाम होता है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो यही स्ट्रैटेजी रखना है कि हमको सिलेबस बहुत स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करना है। मैथ साथ में आप सभी का क्या, साथ में आपका मैथ और करेंट अफेयर स्टैटिक जीके को लेकर तो किसी को टेंशन नहीं लेना है, वो तो विश्वास रखना। प्लस आप सभी का जितना भी जीके और जीएस का नोट्स है ना वो भी आप सभी को वहां पर मिलेगा, प्लस आप सभी को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ 50 मॉक टेस्ट। और मैं एक बात बोल देता हूं, कोई भी मॉक टेस्ट पहले नहीं देगा, यहीं पर एग्जाम देना गलती होता है। पहले पूरा तैयारी कर लो, एग्जाम से 10-15 दिन पहले अपना पूरा सिलेबस पूरा तैयारी कंप्लीट कर किताब बंद कर दीजिए, अब मॉक टेस्ट दीजिए और डेली मॉक टेस्ट में डिस्कस करिए किसका कितना आ रहा है, कहां पर गड़बड़ी हो रहा है, एक एक चीज को आगे लेकर पहुंचेंगे ताकि 50 मॉक टेस्ट एग्जाम जाने से पहले ना हमारा तैयारी प्रॉपर हो पाए। और ये आपको करना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालने का सपना देख रहे तो, क्योंकि आप सभी समझते हैं इस कोविड-19 में घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। तो यहां पर 3 महीना अगर आप घर में रहकर पढ़ रहे
तो दिल से पढ़ो, क्योंकि जाकर उनसे पूछो कि इस महामारी में जिनका बिजनेस ठप पड़ा है, सबसे बड़ा बात है ना, जो ठेला वगैरह लगाते हैं ना, उनसे जाकर पूछो दर उनका घर कैसे चल रहा है, समझ रहे हैं, जो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो 3 महीना कष्ट करना है जान से, त्याग दो सब कुछ, जितना जान है अपने अंदर पूरा लगा दो, 3 महीने के अंदर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, ताकि एग्जाम क्रैक हो पाए। और टारगेट ही लेकर चल रहा है ना कि भैया एनटीपीसी के साथ साथ सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 को भी टारगेट करते हैं, ठीक है, ताकि 6 महीना में प्रॉपर जॉब निकल पाए, ठीक है। और कैसे करना है मैं आप सभी को इसके बाद वाले में एक वीडियो ऐड कर दे रहा हूं, यहां पर आप सभी को प्रॉपर मिल जाएगा। और बहुत लोग बोलेंगे स्टार्टिंग में वीडियो मैंने बताया नहीं, बहुत दिन बोल सकते हैं अरे भैया आप बेच रहे हैं, अरे आप कोई भी मेरा मेहनत का क्या पैसा दे सकता है, बताओ क्या पैसा दे सकता है, 6-6 घंटा क्लास देता हूं यहां पर फ्री में, कोई क्या मेहनत का मेरा पैसा दे सकता है, कोई है, इसी तरह पसीना गिरता रहता कौन मैं? यहां पर तो बोलना बेवकूफी है ना, अगर आप बोलते हो भैया पेड़ भीड़ से अलग चलो एक प्रॉपर, वरना बहुत सारे प्लस कोर्स वाले भी हैं, 10,000, 12,000, 700, 800, लाखों बच्चा एडमिशन ले लेते हैं, टीचर जैसे यूट्यूब में पढ़ाता है वैसे एप्लीकेशन के ऊपर आएगा, क्लास देकर निकल जाएगा, भीड़ में कौन उसका अपना बच्चा है उनको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी आप सभी समझदार है, दिखाते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने फोन के अंदर आप सभी गूगल प्ले स्टोर ओपन करके सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन आप सभी को दिख जाएगा, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, आप सभी भी इंस्टॉल करने के बाद इसको जो है आप सभी ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे ना, हालांकि मैंने रजिस्टर कर लिया है, तो आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बनाकर इसके अंदर आप सभी रजिस्टर कर लीजिएगा, और वो ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड अपने पास याद रखिएगा, जब भी आपको कभी लॉगिन होने का जरूरत पड़े उसी से आप सभी जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद जैसे अंडर में आएंगे ना, रजिस्टर करने के बाद आप सभी देखेंगे बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस और आपका SSC, लेकिन उसके बाद अगर आप ऊपर में जाओगे ना, यहां पर देखोगे ये वाला 349 का है, ये 349 का क्या है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं बैंक, रेलवे, SSC कोई भी एग्जाम का, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट, जितने भी मान लो बैंकिंग का अगर खोलोगे, देखो हर एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी को जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे का आप सभी के सामने हर एग्जाम का, SSC के हर एग्जाम का मिल जाएगा, वो 349 में सिर्फ मॉक टेस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका RRB NTPC और RRB ग्रुप डी को लेकर ना, तो ये ऊपर वाला देख रहे हैं, यहां पर आपको क्लिक करना है, या फिर अगर आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे ना, यहां पर ऊपर वाले में यहां पर, तो आप देख पाओगे क्लिक करने के बाद लिखा क्या गया है, यहां पर देखो, यहां पर लिखा गया लाइव वीडियो क्लासेस, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर वहां पर क्लिक कर भी आप बाय कर सकते हो। उसके बाद आप सभी इस बाय नाउ पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, आपको पेमेंट कैसे करना है, UPI से या फिर आप सभी वैलेट से, बैंक से, कार्ड से, जिससे जाते पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट जैसे ही हो जाए ना, 15 से 20 सेकेंड आप सभी कम से कम रुक जाना। बहुत बार क्या करता है, फटाफट पेमेंट ओपन करने के बाद आप सभी क्या करते हैं, बैक हो जाते हैं, तो बैक नहीं होना, पेमेंट होने के बाद 15 से 20 सेकेंड लगता है प्रोसेस होने में, रुक जाइएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ये लॉक खुल जाएगा। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा यहां पर 14 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट होगा शाम को 7:30 बजे, परसेंटेज का 8-9 से 10 पार्ट मिलेगा आप सभी को, और प्रीवियस सेशन, और मान लो अगर आपका कोई क्लास छूट गया तो ये आप सभी जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो आपका प्रीवियस सेशन में रहेगा, लाइव चैट का भी जो है वो सपोर्ट रहेगा। अगर ऊपर में क्लिक करेंगे तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हालांकि कल 13 तारीख है, तो कल शाम को 6 बजे ना एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी के साथ यहां पर करूंगा एग्जाम को लेकर, कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना नंबर तक, सब कुछ कल बात करेंगे यहां पर, ठीक है। और इसके अंदर आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा, प्लस जितने भी नोट्स हैं उसके लिए अलग एक ग्रुप में आप सभी को जो है वो ऐड करूंगा, ठीक है, ताकि वहां पर कल मैं बताऊंगा सब कुछ यहां पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरे डिटेल के साथ ये जो चीज है वो समझ गए होंगे।